अम्मी मेरा रिजल्ट आया है। है। का? अम्मी मेरी आई मैं मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, रेली। लेकिन शादी के नाम पर घंटे टेंशन लेके नहीं फिर सकता। I'm sorry. आपको सारा को समझाना चाहिए उसे शादी और शोहर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंग्रियर मीन कि वो अपने हस्बैंड को इस तरह ट्रीट करे आप उन्हें बता खाते-खाते जाती थी उसी तरह मैं लाहौर चले जाऊंगी उन्होंने अगर कुछ करना है, तो वो आपके लिए करें हम अब उड़ना सीख गए उनकी परों की कोई जरूरत नहीं है एतराज मुझे इस बात से है किलॉय तो के साथ अकेली निकलती मुझे बताए बगैर मैंने तुम्हें फोन किया था तुम्हारा फोन बंद आ रहा था मुझे कर मैं तुम्हें कॉल बैक कर लेता मुझे इन धेरे में रखने के लिए अच्छा बहाना नहीं है तुमने तो बहुत मेहनत की है अपनी बेटियों पर और जिंदगियां बना दी उनकी ना बेटियां तो हर खानदान में होती हैं और हर खानदान में बोझ ही होती बेटियां बोझ होती नहीं है बना दी जाती हैं भाई साहब

तुम क्या चाहते हो कि मैं गाय भैंसों की तरह अपना सर हिलाती रहूं तुम्हारे आगे तुम्हारी हर बात के साथ अग्री अपने दोस्त छोड़ दूं तो फिर मुझे तुम ना शुरू हो अस्मारा मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलने पर एतराज नहीं है यह मैं बात तुमसे बहुत दफा कर चुका हूं बट आई रियली माइंडेड जब तुम ऐसे लोगों से मिलती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन वो मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है And wrong with that. तुम क्या चाहते हो मैं उन लोगों से सिर्फ दोस्तियां करूं जिनके साथ तुम्हारा माइंडसेट मिलता हो जो तुम्हें पसंद हो जिनके साथ मेरी बिल्कुल भी कोई कंपैटिबिलिटी ना हो तो वे चाहता हूं तुम्हारा मैं ये चाहता हूं कि तुम फैसला कर लो कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स या तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स कोऑपरेट हम ये मसला नहीं हल कर सकेंगे ने सारा सी बात की हम्म की थी बात और बहुत डिटेल में वो वापस नहीं जाना चाहती जब तक के परहान खुद आकर उससे बात ना करे और यकीन दहानी ना करवाए उसे भी और हमें भी कैसी यकीन दहानी इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस किस्म की दानी की जरूरत है देखो कदर तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने फरहान से बात की थी और उसकी बातें सुनकर मैं तो शर्मिंदा हो गया हूं सारा बच्चों जैसे रवैया कर रही। मेरा मतलब है कि मैं इस मजीद सूरतयाल को खराब करूं यह शर्त लगा के, के फरहान यहां पर आए पहले सारा से माफी मांगे उसे वो सब कुछ करने की इजाजत दे जो वो करना चाहती है तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह मसला हल हो जाएगा फरहान को अगर सारा से कोई शिकायत थी तो उसे सारा से बात करनी चाहिए थी वो क्या हर तीसरे चौथे बंदे के सामने अपने किस्से लेकर बैठ जाता है उसने किसी तीसरे चौथे बंदे से बात नहीं की उसने जारून से बात की है जो उसका भाई है उसने तुमसे और मुझसे बात की है जो उसके पेरेंट्स हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों तो बाप बेटे इतनी ब्लाइंडली उसे क्यों फेवर कर रहे हैं अपनी बेटी से आपको कोई हमदर्दी नहीं है और वो शख्स उससे हमदर्दी कर रहे हैं जिसने आपकी बेटी की जिंदगी ऐसा बनाकर रखी हुई है मैं बेजा हिमायत करके अपनी बेटी की जिंदगी तबाह करवा दू जैसे तुम करवा रही हो मैं मां हूं उसकी कौन सी मां चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि सारा जो कुछ कर रही है मेरी वजह से कर रही है मैं उसे गलत मशवरे दे रही हूं ताकि उसकी और फरहान की सेपरेशन हो जाए यही कहना चाहते हैं आप इस घर का सबसे बड़ा मसला यह है को, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता क्यों नहीं सुनता मैं सुन रही हूं ना बोले देखोगा इस स्टेज पर हमने अपनी बेटी की बेजा हिमायत नहीं करनी उसे मसला बिगड़ जाएगा हमें कोई ऐसा हल तलाश करना चाहिए जिससे जिससे दोनों का पैचअप हो जाए और इस पैचअप के टर्म्स क्या होंगे हु? इन टर्म्स पर कि सारा घर में बंद होकर बैठ जाए कनीजों की तरह फरहान की खिदमत करे जो फरहान चाहे वो सारा वैसे ही करे आपके नजदीक अगर इसे घर बसना कहते हैं तो प्लीज ऐसे घर से ना बसना बेहतर है हम्म बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम नहीं तैयारी का हो गई है तकरीबन तुम अपना बस काम अपना कंप्लीट कर लो अपनी तबियत सही रखो प्लीज हाँ नहीं मौसम बहुत ज्यादा खराब है ना असल में आजकल हाँ ये तो है अच्छा माँ मैं तो फिर तुमसे बात करती हूँ और कल फिर दस बजे मिलते हैं ठीक है ओके खुदा हाफिज क्या हुआ बेटा तबीयत तो ठीक है तबीयत ठीक है लेकिन दिमाग खराब है ओह मेरी बेटी के दिमाग को क्या हो गया मेरे दिमाग को नहीं जारून का दिमाग खराब हो चुका है क्या किया जारून ने अब देखिए ये भी कोई बात है करने वाली हर चीज उसको मेरी बारे में बुरी लगती है। मैंने फेसबुक अपलोड की तरफ बिल्कुल ठीक कहा तुमने समझ नहीं आती क्या हो गया उसको पहले तो हर जगह मेरे साथ जाता था लेकिन अब हर जगह मेरे साथ नहीं जाता तो मैं अपने दोस्तों नहीं छोड़ सकती ना एकदम ही खैरत जाग उठी है उसकी समझ नहीं आता जारून को क्या हुआ पहले तो वैसा नहीं था तुम दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी मुझे तो लगता है कि सब फेक था बेटा कहीं और कुछ चक्कर तो नहीं है कैसा चक्कर शायद किसी और लड़की का चक्कर बस मैंने कह दिया आपसे

भाई के लिए इतना करा देगी मैं कश्यप से कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने उन तीनों बेटियों के लिए कुछ भी नहीं किया अब आप गड़े मुर्दे ना उखेड़ने बैठ जाए क्या नहीं किया आपने? सब कुछ तो किया किया है। और नहीं भी किया तो क्या हुआ बाप तो है ना आप, आप एक बार आफिया या कश्यप से बात करके तो देखें आप ही कहते हैं कि आपकी उस घर में बड़ी इज्जत है आप कहेंगे तो वो टालेंगी थोड़ी जारून, क्या हो गया तुम्हें तुम क्या किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो क्या मतलब है सवाल का? देखो नाराज मत हो तुम मुझसे बहुत ना खुश लगना शुरू हो गए हो तुम्हें मेरी हर चीज पे एतराज है हर बात पे तुम मुझे रोकते हो टोकते हो अगर तुम इस मंगनी से ना खुश हो इस रिलेशनशिप से ना हो

हमारी रिलेशनशिप इतनी वीक तो नहीं है, कि मेरी से हो मैं तुम्हें तो बार बार ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं औरतों के उस फ्रीडम के कॉन्सेप्ट में नहीं बिलीव करता जो कि तुम प्रैक्टिस करती हो और तुम तो मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं हो सारू तुम जब ऐसी बातें करते हो ना

What are you talking about? मैं तुम्हें अपनी घर की ब्रीफिंग नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बस ये कहना चाह रहा हूँ अगर तुम ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं ना तुम पे जोर जबरदस्ती कर सकता हूँ नही करना चाहता हूँ बेहतर ये होगा कि तुम आराम से सोच लो हम अच्छे दोस्तों की तरह अलग अच्छा हो या अच्छा होगा बजाय इसके हम आगे जाके बेटर पार्टनर्स की तरह एक दूसरे को बुरा भला कहकर अलग हो ठीक है पैड आपने बुलाया था हाँ आओ बैठ कहीं जाना वाना तो नहीं नहीं फिलहाल तो नहीं गुड इब्राहिम का फोन आया था oh, really? कैसे अंकल इट्स फाइन तुम्हारे और अस्मारा के बारे में बात करना था मेरे तो के बारे में क्या मतलब? को तुमसे कुछ शिकायत करने के लिए उसने मुझे फोन किया था मैंने कहा अगर ऐसी ही बात है तो उसे लेकर डिनर पे आ जाओ आमने सामने बैठ कर डिस्कस कर लेते कहता है वीकेंड पे बताऊंगा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे और अस्मारक के बीच में क्या प्रॉब्लम है वही जो सारा और फरहान के बीच है और भाई जो आपके और मामा के दरमियान है समझा डैड अस्मारा वांट्स टू तो लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू हर वो अपने तरीके अपने वैल्यू से जिंदगी जीना चाहती है मेरी मर्जी मेरी पसंद नापसंद उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती इब्राहिम का फोन सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है तुम पर कि तुम असमारा पर पाबंदियां लगाते हो वो अभी अपने माँ बाप के घर में है तो अपने माँ बाप के तरीके से रहेगी ना जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बनकर आएगी तो तुम्हारे तरीके से रहेगी सारे ध्यान बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात का एक परसेंट भी यकीन होता कि इस मारा शादी के बाद मेरी मर्जी से रहेगी या इस घर के तरीके से खोड़ें इस बात को ध्यान वेरी फ्रैंक मुझे इस घर के तरीके भी सही नहीं लगते बोल क्या खराबी इस घर के तरीके में? डैड खराबी कोई नहीं है लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं एक ऐसी बीवी इस घर में लेके आऊं जो सारा या मामा का लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें डैड जब पिछला एक डेढ़ साल मैंने जॉब पे या ट्रेनिंग पे गुजारा है उसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं चीज की वजह से मेरी इंसिक्योरिटीज बिल्कुल बढ़ सी गई हैं मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक ऐसी बीवी इस घर में लाना चाहता हूं जो कि इस घर की कैदी बन जाए लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि फ्रीडम के नाम पर मुझे अपना नौकर समझे आई थिंक यू बेटर कि आप इब्राहिम अंकल से ये सब बातें डिस्कस करें और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें हमने तो बहुत चाहत से रिश्ता किया था हम सब एक दूसरे को इतने अरसे से जानते हैं और बच्चे एक साथ पले पड़े हैं सोचा था शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छी लिभेगी लेकिन शायद मेरी सोच ही गलत थी समरा हम तो खुद समझ में नहीं पाए कि जारून और अस्मारे के इख्तिलाफ इतने बढ़ कैसे गए हम तो इन्हें रोजमर्रा के छोटे मोटे झगड़े समझते रहे शायद यही गलती थी हमारी मेरी तो ये ख्वाहिश है कि दोनों को बिठाया जाए और जो भी इख्तलाफ है वो दूर किया जाए ख्वाहिश तो मेरी भी यही है इब्राहिम लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इन इख्तलाफात के बारे में कोई लचक दिखाएंगे समरा तुम प्लीज अस्मारा को समझाओ ना खजाला मैं उसको क्या समझाऊ गलती तो उसकी है ही नहीं आप लोग इतने ब्रॉड माइंडेड हैं मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपका बेटा इतना तंग नजर कैसे है देखिए वो तंग नजर नहीं है मगर कुछ मामला को अपने लिहाज से सोचता है हमारी तो एक लौती बेटी है मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि हमारी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जो शादी के बाद उसको घर से भी ना निकलने दे नहीं समरा वैसी बात भी नहीं है मतलब जारून इस तरह से तंग नजर नहीं है अभी जुनेद कह रहे थे ना कि वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है बस और कुछ भी नहीं हम सारे मिलकर बैठेंगे उसको समझाएंगे आई एम श्योर वो समझ जाएगा देखो शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं होती हैं लेकिन शादी के बाद बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं शायद तुम बिल्कुल ठीक हो लेकिन अगर शादी से पहले इतने प्रॉब्लम्स हैं तो शादी के बाद क्या होगा मेरी तो यह बात समझ में नहीं आ रही कि आपका बेटा चाह क्या रहा है अब एक नई मुसीबत खड़ी कर दी उसने हमारे और सोच आपकी तरह कंजर्वेटिव है एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव और उसी का नतीजा अब हम भुगत रहे हैं अगर मेरी सोच कंजर्वेटिव होती ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें घर पर बिठाता और तुम्हें इतनी आजादी कभी ना देता जितनी मैंने तुम्हें दी भी है जिसके लिए मैं बार दफ़ा पछताता भी हूं खास तौर पर अपने बच्चों की बड़ी बड़ी खामियां देखकर तुमने अपने प्रोफेशन की वजह से उनको इग्नोर किया है जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है आपने पहले तो मुझे कभी ब्लेम नहीं किया आज आपको मेरी तरबियत में खामियां नजर आनी शुरू हो गई हैं हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों को मैंने हमेशा फोकियत दी है उनकी स्कूलिंग उनकी एजुकेशन को मैंने हमेशा प्रायोरिटी रखा है अगर वो हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे हैं तो मेरी वजह से और अब आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं देखो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर कर रहा रहा मैं तो वो फ्लॉज पॉइंट आउट हूं जो मुझे अपने बच्चों की तरबियत में नजर आ रहे हैं अच्छी तालीम और एकेडमिक तरबियत का एक हिस्सा है दारून और सारा प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं लेकिन रिलेशनशिप बनाने चलाने कॉम्प्रोमाइज करने की सलाहियत से महरूम है और उनकी ये खामी हमारा कसूर है मैं नहीं मानती आप जारून के मामले में वजह सारा को घसीट रहे हैं सारा जो भी कुछ कर रही है अपनी जिंदगी के हवाले से जो फैसले कर रही है वो बिल्कुल ठीक है तुम सारा को समझाने के लिए तैयार नहीं और जारून मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं मसला दोनों का एक ही है चाहे तुम मानो या ना मानो फरहान मैंने बहुत दफा तुम्हें बताया कि मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी तुम्हारे लिए मैं मैं अपनी सोच बदलनी होगी लेकिन तुम तुम सीरियसली नहीं लेते हो हो समझते मजाक कर रही डिवोर्स हाँ। तुम बात, बात तुम्हारे लिए छोटी है ना मेरे लिए बहुत बड़ी है इट्स माई बेसिक राइट अपनी मर्जी से शोहर को बताए बगैर मुंह उठा के किसी के साथ भी कहीं भी फिरते रहना तुम्हारा बेसिक राइट है तुम तो मुझसे फिर से लड़ने आ गए हो ना नहीं मैं यहां पैचअप की आखिरी कोशिश करने आया हूं तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम्हारे पास जाके एक्सक्यूज कर लूं ताकि तुम अपनी डिवोर्स का मुतालबा वापस ले लो तो मैं आ गया हूं सारा मैंने एक्सक्यूज भी कर लिया और मेरा ख्याल है अब इस मसले को यहीं खत्म हो जाना चाहिए मसला सिर्फ तभी खत्म हो सकता है फरहान जब तुम अपने आप को बदलोगे सारा मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने और शिकायत दूर करने के लिए तैयार हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें भी उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की जरूरत है जिन चीजों पर मुझे एतराज है उन बातों पर तुम्हें भी मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी फरहान मैंने कह दिया है तुम्हें एडजस्ट करना होगा अपने आप को मेरे अकॉर्डिंगली और अगर नहीं कर सकते ना तो मेरे ख्याल में इस रिश्ते को और अटकाने की जरूरत नहीं है खत्म करो ठीक जो तुम्हें ठीक लगता है फिर वही कर लेते तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है लॉयर्स अपना काम अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं मैं अपने लॉयर को कह दूंगा कि वो डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर ले और तुम्हें भिजवा दे फाइन डू दैट वैसे आपा आपके तो ऐश हो जाएंगे पोस्टिंग के बाद मेरे कौन से ऐश होंगे ऐश नहीं होंगे क्या गाड़ी मिलेगी घर मिलेगा नौकर मिलेंगे सिंध में मेरी पोस्टिंग करनी है किसी जंगल में दो कमरों का घर होगा एक खटारा गाड़ी जिसके साथ एक अदर ड्राइवर और गार्ड पच्चीस हजार की सैलरी मिलेगी मुझे इससे बेहतर तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा था अगर उसी जॉब के साथ रहती तो आज एक लाख का पैकेज मिलता मुझे मगर आपा ऑफिसर तो ऑफिसर होता है ना भले ही फिर वो किसी 90, की किसी पुरानी गाड़ी में क्यों ना चुनाव है ना हाँ। <laughs> यही हमारी बीमार जहनियत है जिसकी वजह से लोग डॉक्टर इंजीनियर या अफसर बनने के अलावा और कोई खावी नहीं पालते ऐसे मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन बताओ जहाँ इतने बारात मिलते हो बेटा ये गवर्नमेंट की जॉब ही है जहाँ सर पे छत भी मिलती है और इस सर पे छत के लिए 24 घंटे चक्की में पिसना पड़ता है हर चीज की कीमत होती मी। कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती आ, सच कहती हो तुम वाकई किसी को कभी भी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीजें मुफ्त में भी मिल जाती हैं अच्छा किन की बातें रही हैं आप जुनेद मैं जारून को समझाने की कोशिश जरूर करूंगा यह मसला इस तरह हल नहीं हो सकता असमारा को भी अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी और फ्लेक्सिबिलिटी के बगैर तो कोई रिश्ता नहीं निप सकता मैं एक दफा जारून को समझाऊंगा दो दफा समझाऊंगा लेकिन एक बाल मर्द की सोच नहीं बदल सकता मैं तुम्हारी बात समझ सकते हो यार तुमसे मुतफिक लेकिन अस्मारा के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता मैं उनके पेरेंट्स से कह सकता हूँ वो अपनी बेटी को समझाएं। लेकिन जब मैं अपनी बेटी को किसी भी रिश्ते के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखा सका तो दूसरे की बेटी से क्या तो रख सकता हूँ सारा का मसला हल नहीं हुआ क्या हल होने की बजाय मजीद बिगड़ गया सारा डिवोर्स मांग रही है लेकिन क्यों फरहान और सारा के अख्तलाफात इस तक पहुंच चुके हैं फरहान तो बहुत अच्छा लड़का है बहुत नेक तमीजदार और उसकी आदत भी अच्छी है इसमें फरहान का ज्यादा कसूर नहीं है जितना सारा का है और मैं हेल्पलेस हूं सारा अदालत से ज्यादा करीब है और अदालत हमेशा उसकी साइड लेती है फलान का लॉयर आया था आज मेरे ऑफिस में फिर डिवोर्स के मामला तय करने के लिए डिवोर्स पेपर भी साथ लाया था और सारा का हक मेहर और बाकी सामान उसके बारे में क्या कहा उसने हक मेहर देने के लिए तैयार है लेकिन अगर डिवोर्स सायरा ले रही है तो हमें हक मेहर नहीं लेना चाहिए वैसे भी सारी ज्वेलरी इसके लॉकर में है फरान ने कहा कि वहां से जायज उठवा ले हाँ तो सही है ना उठवा लीजिए आप बल्कि मैं खुद जाऊंगी लेने के लिए वो लिस्ट ही तुम्हारे पास जहेज के सामान की वो है अभी भी जी मम्मी है।, है मुझे वो दे देना एक अंबार है चीजों का जो लेकर आना होगा वहां से बेटा आखिरी बार अपने फैसले पर गौर कर लो जुनेद सारा फैसला कर चुकी है और बहुत सोच समझ के कर चुकी है अब आप प्लीज इस मामले को खत्म होने दें। देंट आई थिंक यू एक्चुअली कंफ्यूज और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम लाइफ पार्टनर के हवाले से काफी इनसिक्योर हो आई थिंक यू फेथ दू बी एबल टू डोमिनेट योर वाइफ जिस बात मुझे हैरानी होती है वो ये है कि तुम जैसा एजुकेटेड और लिबरल आदमी इस तरह की नैरो माइंडेड सोच कैसे रख सकता है ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ और बहुत इनसिक्योर हूँ लेकिन मैं अपनी बीवी को हर किस डोमिनेट नहीं करना चाहता मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी को वो अली आजादी मिले जो कि माँ और सारा के पास है एंड ओनली बिकॉज मैंने हमेशा देखा है कि मेरा घर मेरा बाप

तो मुझे एक एग्जाम्पल दिखाओ कशफ 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 मुर्तजा यो सीरियस लेमी रिमाइंड यू दिस इज द सेम कशफ मुर्तजा जिसको तुम यूनिवर्सिटी में हेट करते थे ओके आई अंडरस्टैंड वी हैड आवर डिफरेंसेस बट आई लाइक आवर हैबिट्स और मैं इस बात को कोट कर सकता हूं किसी के भी सामने जारून मैंने दुनिया में बड़े बड़े बेवकूफ आदमी देखे हैं लेकिन टू बी ऑनेस्ट तुम जैसा बेवकूफ आदमी नहीं देखा You know what, I actually think you're confused. If you weren't confused, you wouldn't quote Kashif Murtaza. Osama, I'm giving you an example. I'm not telling you about my likes and dislikes. Yes, but this was in your subconscious, If it wasn't, you wouldn't be comparing Kashif and Asmara. Baran, ये वो बात नहीं जो तुम सोच रहे हो come to think of it कश्यप वाकई इतने सालों से मेरे सबकॉन्शियस का हिस्सा रही है और भी ठीक है आखिर मैंने इसमारा को सिर्फ उसी के साथ क्यों कंपेयर किया क्या ऐसा है कि नापसंदीदा होने के बावजूद वो औरत उस आइडियल के बहुत करीब है जिसे मैं पसंद करता हूं या फिर रोसामा की ये बात भी ठीक है मैं बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हूं या खाइफ हूं A commitment or relationships. अच्छी जगह है बेटा ज्यादा मसरूफ तो नहीं हो वीकेंड पे ज्यादा मसरूफियत नहीं होती बैठे यहाँ पे कोई सोशल लाइफ भी नहीं है आठ नौ बजे सब कुछ बंद हो जाता है छोटा शहर है ना इसलिए घर के अंदर कोई एक्टिविटी ढूंढनी पड़ती है अच्छा है ना कशा। तो मैं घरदारी आ जाएगी मम्मी मुझे घरदारी में कोई शौक नहीं है अपना घर साफ सुथरा रखने में शौक है बस शनीला तो कह रही थी वो आपके साथ आएगी वो क्यों नहीं आई अरे बेटा उसका बस चले तो हर वीकेंड पे आ जाए लेकिन उसकी पढ़ाई है बेटा पढ़ाई का हर्ज होगा ले आती ना वीकेंड गुजार के वापस चले जाती वो तुम जानती हो उसकी आदतों को बिल्कुल बच्चों की तरह वीकेंड पर आती और यही रह जाती चाय हाँ हाँ जरूर तुम्हारे अब्बा तुम्हें सलाम भेज रहे थे बेटा बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा बल्कि आने का कह रहे थे हमाद की तो पूरी कोशिश थी कि मेरे साथ ही आ जाए उसे बहुत शौक है तुम्हारा सरकारी घर देखने का छोड़े उन्हें अम्मी रहने दें। किसे आप जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ कश्यप बेटा तुम अपने अब्बा को माफ कर दो ना आपने अब्बा को माफ कर दिया हाँ उन्होंने आपसे माफी मांगी मुझे इंसानों की मुनाफत से सख्त नफरत है पता मुझे सिर्फ वो लोग पसंद हैं जो अपनी दुश्मनियां दूसरों के हालात बदलने के साथ उसे खत्म नहीं कर देते अरे कश्यप इसका क्या मतलब <laughs> कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल भी समझदार नहीं लगती लगता ही नहीं बेटा कि तुम इतना पढ़ी लिखी हो अपने पैरों पे खड़ी हो इतनी बड़ी पोस्ट पर हो क्यों ऐसे भी क्या बात कह दी मैंने अरे बेटा जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं और शायद इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश करता ही इसीलिए ताकि लोगों के रवैये बेहतर हो जाएं। मैं अब्बा को कभी माफ नहीं करूंगी उनके लिए मेरे दिल में जरा बराबर इज्जत नहीं रही तुम्हें मालूम है बेटा वो ये बात जानते हैं वो जानते हैं कि तुम लोगों की जिंदगी में उनका कोई रोल नहीं वो ये भी जानते हैं कि उनकी बेटियों की कामयाबी में उनका कोई भी हिस्सा नहीं है और किसी भी बाप के लिए यह बात बहुत अजियतनाक होती है और शायद यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है अपनी बेटियों की जिंदगी में उसका कोई हिस्सा नहीं है कोई रोल नहीं है लेकिन अगर फिर भी तुम तुम उन्हें सजा देना चाहती हो तो मुझे अब्बा को सजा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है अम्मी वो मेरी जिंदगी का फोकस नहीं रहे अब तो मुझे तकलीफ भी नहीं पहुंचाते हैं हर चीज का वक्त होता है और जब इंसान उड़ना सीख जाता है तो फिर किसी की उंगली पकड़कर चलने की कोई जरूरत नहीं रहती इसीलिए तो मैं कहती हूं बेटा अपने बाप को माफ कर दो अम्मी इसके लिए जरूरी है कि वो ये बात मुझसे खुद कहें तो लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे उनको तो कोई शर्मिंदगी नदामत एहसास जुर्म कुछ नहीं है और पता है मम्मी सबसे तकलीफ दे बात क्या है वो सिर्फ ये कि अब्बा एक टिपिकल मर्द निकले तंग नजर खुद गर्ज मफाद परस्त और ये कि हमारे जिंदगी में आने वाले मसाइल का जिम्मेदार हमारा माशरा नहीं मेरा अपना बाप था और ये बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है मैं तुम्हारी तकलीफ ही तो कम करना चाहती हूँ काम नहीं कर सकती उम्मी यह करने की भी कोशिश कर रही है इससे मेरी तकलीफ में इजाफा होगा सारी जिंदगी अब्बा अपनी जिंदगी में मगन रहे अपने बीवी बच्चों के साथ खुश तो मैं चाहती हूं कि अभी भी वो अपनी तवज्जो वहीं रखे ना फिर

She is Kashef and he is Albert Mitchell and Fiona Edwards. Hello. Zarun Junaid. He is a foreign office coordinator for us. Hello. Hello. People have enjoyed the trip? Yeah. Yeah, it's been We're great. Looking forward for the... नंबर लिखा दो ऑफिस का लिख लो ऑफिस का लेके क्या करूँगा उस पर अवेलेबल तो नहीं होती चौबीस घंटे में सेल्फोन पे भी अवेलेबल नहीं होती ठीक है ना अवेलेबल हो कॉल कर दूंगा धमकी ना दो मुझे धमकी तो नहीं दे रहा मैं